घर में किसी से अगर लड़ाई हो गई, मुंह को सुझाकर बैठ जाते हैं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। दिल में जो बात है उसको क्लेरिफाई नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे किसी के भी साथ, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, माता पिता कोई भी हो। घर में किसी से भी अगर छोटी सी बात पे मन मुटाव हो गया तो दिल में उस बात को पत्थर की तरह रखे रखेंगे, उस बात को एकदम से भड़ाक से उस बंदे से आप लोग नहीं करेंगे। बस बुरा मानकर मुंह को सुझा कर एक कोने में चुपचाप बैठे रहेंगे, जब तक उस बात को आप लोग उस बंदे से, आपके माता पिता हों, भाई बहन हों, चाहे आपके पति पत्नी की बात, आपके मन में दिल में जो भी बात है आपको बुरी लगी है, जब तक आप उससे डिस्कस नहीं करेंगे, बात को क्लेरिफाई नहीं करेंगे तो खुश कहाँ रह पाए। मेरी तरह जिंदगी जियो, जो भी मन में बात हो बुरी लगे तुरंत फटाक से बोल दो, 2 मिनट बुरी लगे 4 मिनट बुरी लगे कोई इशू नहीं, दिल का भार हल्का हो गया, बस हम खुश हो गए, बस हमारा मन तो खुश हो गया, हमने अपने दिल की भड़ास निकाल ली। बस दिल की भड़ास निकालने का मतलब अब शब्द नहीं कहने हैं, लेकिन जो दिल में है वो बोल दिया, बस पत्थर जो दिल पे रखा हुआ था भैया वो हमने फेंक। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आज की वीडियो ना ही घरेलू उपाय के ऊपर है, ना कोई घरेलू उपाय, ना कोई बीमारी, ना ये फलाना ढिमका कुछ, बहुत ही मजेदार वीडियो है और खुश रहने के फायदे इतने ज्यादा है ना, सर से लेकर पैर तक कोई भी बीमारी नहीं है जिससे इसमें असर नहीं दिखाता है। क्या चीज, सिर्फ खुश रहना यार। पूरे पूरे संसार का बोझ हमने जॉब करनी, पहले हमने पढ़ाई करनी, कोर्स करना है, डिग्री करनी है, डिप्लोमा करना है, बात समझ आ गई। जॉब करनी है, करनी पड़ेगी, व्यापार करना है, करना पड़ेगा, व्यापार करना है, करना पड़ेगा, दिहाड़ी मजदूरी करनी है, परिवार पालना है, भैया हमें क्या करें, हम तो परेशान हो गए हैं, बहुत बोझ है यार। अब बच्चे पढ़ा लिखा दिए, अब उनकी जॉब की टेंशन, अब नौकरी लग गई तो लड़का है चाहे लड़के, शादी की टेंशन, अब वहां पर खर्चा कैसे आएगा, उस खर्चे की टेंशन। तो खुशी है कहाँ? एक बात सुनो, अपना कर्म करो, बस बिजनेस कर रहे हो, अपने तरफ से 100% एफर्ट दो, 100% मेहनत करो। अब फल के बारे में मत सोचो कि हमें फल मिलेगा, भाई मिलेगा, कभी आपने सुना किस बंदे ने मेहनत की उसे फल नहीं मिला हो? नहीं, हमने तो नहीं सुना जिंदगी में यार, आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद फल जरूर मिलता है, अच्छे कर्म का, मेहनत का। खुश रहने से आपके शरीर में डोपामाइन हार्मोन का रिलीज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन। जब जितना आप हंसेंगे, जितना मस्त रहेंगे, कोई बुरा बोले अच्छा बोले छोड़ो परे यार, भाड़ में जाए वो बंदा, उसके बारे में सोचो नहीं, चाहे घर का हो चाहे बाहर का, कोई आपको बुरा बोल दे अच्छा बोल दे, आपको बात चुभ गई, मत सोचो उसके बारे में। इससे सुनो, इस कान से निकाल दो, इस कान से सुनो, इस कान से बाहर निकाल दो, बस खुश रहोगे आप, आपके माइंड में डोपामाइन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेक्रेशन बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप लोग खुश रहना, हैप्पी रहना शुरू हो जाएंगे। एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला था। एक माता पिता थे, उनके एक लड़का था, ठीक है, लड़का तो बाद में हुआ, पहले वो माता पिता बहुत ज्यादा परेशान थे, यार हमारे कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, क्या करें यार। वो सोचते थे कि भगवान हमें, देखिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है, कोई भी दवाई तभी असर करती है, आप लोग मन से अगर स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, हमेशा खुश रहते हैं, सकारात्मक सोच आपके दिमाग के अंदर है। अब वो माता पिता परेशान थे कि यार हमें कोई संतान नहीं हुई, 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, अब हम भगवान को पूछते थे कि भगवान हमने कर्म ऐसे क्या किए। अच्छा, उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए, डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया, थोड़ा सा पूजा पाठ भी कर लिया, उनके यहाँ संतान आ गई, लड़का उनके यहाँ हुआ और एक हुई लड़की। क्या बोला मैंने, एक लड़का हुआ, एक हुई लड़की। अच्छा, लड़का पढ़ाया लिखाया, उनको डिग्री करवाई, बच्चा
अपने लड़के को डिग्री करवा दी। डिग्री कराने के बाद माता पिता को लग पड़ी नौकरी की टेंशन कि भैया आप नौकरी का देखा जाए जुगाड़, नहीं तो यार परेशानी, इतना पैसा लगा दिया 6-7 लाख रुपया हमने डिग्री के ऊपर खर्च कर दिया, अब हमें नौकरी की टेंशन है तो भैया लोगों में बेइज्जती होगी लोगों में, यहाँ पर टेंशन आ गई। पढ़ाया लिखाया इतना पहले टेंशन क्या थी, बच्चा हो ही नहीं रहा है, उसके बाद टेंशन है बच्चों को पढ़ाओ, उसके बाद टेंशन है बच्चों को नौकरी की, उसके बाद लोगों की बेइज्जती का डर आ गया, चलो बच्चे को उन्होंने नौकरी लगवा दी, बच्चे ने नौकरी करना शुरू कर दी। अब आगे शादी की बात, अब बच्चे ने इस बच्चे की शादी करवा दी माता पिता ने, बहुत से 10-15-20-25 लाख माता पिता ने खर्च कर दिया, किसी से उठा के लोन लेके या किसी से मांग कर उधार मांग। अच्छा अब बच्चे की शादी हो गई, जो बहू घर लाए अच्छी बहू थी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बेटे की कहीं ट्रांसफर हो गई दूसरी जगह पर, दूसरे स्टेट में, दूसरे जिले में। अच्छा अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पति पत्नी थे गांव में अकेले रह गए ना, माता पिता जो बूढ़े माता पिता थे, अब उनको कमी करने लगी, यार एक समय था हम परेशान थे, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, शादी कर ली, अब हमने सोचा कि यार हमारे बहू आ गई, अब आगे उनके संतान होगी, और एक बात और उनके संतान भी हो चुकी है, जो माता पिता जी के लड़के थे बहू और बेटा, उनके संतान होगी, उनकी लड़की पैदा होगी, वो उन्होंने रखी अपने साथ। माता पिता बेचारे गांव में पड़े हैं, सोच रहे हैं यार हमारे आए हम बच्चे के साथ खेलें, लेकिन नहीं, खुशी है कहाँ। अब जो माता पिता में थे, जो माता पिता गांव में अकेले थे, उनमें से पिता रह गया, माँ जो थी चल बसी, समझा गई, पिता अकेला घर में सड़ रहा है, बच्चों के पास टाइम नहीं है, वहां से उनका ट्रांसफर हो गया फौरन, वो फौरन चले गए। तो आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, खुशी कहाँ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों से हम भी प्यार करते हैं, आप लोग भी बच्चों से प्यार करिए, अपने बच्चे हैं, लेकिन एक लिमिट तक अगर खुशी चाहते हैं, एक लिमिट तक प्यार करो, अगर प्यार करना ही है तो परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण जी से करो, जो आपकी हर मनोकामनाओं को बिना किसी लालच के पूरा करते हैं। समझा गई बात आप लोगों को, भगवान से तार जोड़ लो, बच्चों से तार जोड़े रखो, लेकिन एक लिमिट तक वो आपके साथ नहीं देंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को इस बात में जानकारी जरूर होगी, बच्चे साथ नहीं देते हैं। तो खुशी पाने का एकमात्र तरीका है, माता हो, पिता हो, बच्चे हो, बहू बेटी कोई भी हो, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत करो कि हमारा लड़का पढ़ लिख कर ये करेगा, ये नौकरी करेगा, ये सरकारी जॉब करेगा, कुछ मत आज रखो, जो जिम्मेवारी उसको निभा दो, बस बात खत्म, बाकी परम पिता परमेश्वर पे आप लोग छोड़ दीजिए, खुश रहेंगे, हर बीमारी आपसे दूर भागेगी, हर बीमारी, हर रोग 100%, ये एक ऐसा फार्मूला है खुश रहने का कि आपके शरीर में बीमारियां आएंगे ही नहीं। आपको पता जो गैस, कब्ज, अल्सर जैसी समस्या होती क्यों होती है, हार्ट अटैक की समस्या होती है, जो लोग बहुत ही ज्यादा दुखी रहते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, चिंता में रहते हैं, जो लोग हंसते हैं ऐसे हा हा खिलखिलाकर, जो हंसते हैं, जो बंदे खिलखिलाकर हंसते हैं वो हमेशा रोगों से दूर रहते हैं, चेहरे के ऊपर लाली रहते, चमक रहते, ओज तेज रहता है, कुछ नहीं लगाएंगे चेहरे के ऊपर लेकिन फिर भी चेहरा चमकता रहता है, 40 साल की उम्र में 20 के दिखते हैं। तो मैंने आपको कहानी सुना दी, खुशी है कहाँ बता दो ना, खुशी कहीं नहीं है, किसी से ज्यादा उम्मीद मत करो, जैसा मैं हूँ मेरी तरह जिंदगी जियो, अपना कर्म करो, जिम्मेवारी को निभाओ, बाकी भगवान का हमेशा ध्यान करते रहो, बस वही साथ जाएगा, खुशी सच्ची खुशी उन्हीं के पास मिलेगी, उनसे सीधा तार जोड़ लो, माता पिता से भी, माता पिता की सेवा करो, बच्चों की परवरिश करो, लेकिन मैंने क्या बोला, वहाँ खुशी है, वो हमारा फर्ज है, जिम्मेवारी है, खुशी नहीं मिले, खुशी मिलेगी परम पिता परमेश्वर से तार जोड़ने के बाद ही। तो मस्त रहिए, आइए पीजिए, भगवान का नाम जपते रहिए, हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में किसी और बीमारी के ऊपर मैं बात करूंगा, तब तक के लिए हरे कृष्णा।